से मिलने के लिए, आप सभी पीड़ितों से मिलने के लिए आज विशेष रूप से मैं अपने सरकार के मंत्रियों, हमारे सिंचाई मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं और इस जिले के प्रभारी मंत्री भी यहाँ मेरे साथ में हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी और माननीय विधायक गण, पदाधिकारी सभी हैं, सभी अधिकारी भी हैं। देखने उन्हें राहत सामग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब जानने के लिए विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिला प्रशासन को स्पष्ट कर दिया गया है कि तात्कालिक रूप से किसी भी पीड़ित को राहत सामग्री से वंचित न होना पड़े, इसके लिए त्वरित व्यवस्था करवाएं और प्रत्येक परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और साथ साथ अस्थायी व्यवस्था रहने की तत्काल कार्रवाई की जाए, साथ साथ उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और साथ साथ दवा की भी व्यवस्था उनके लिए करवाए। मेरे साथ सिंचाई मंत्री भी हैं, मैंने उनसे इस बारे में कहा है कि जिस तटबंध के कटने से प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ आती है, लोग प्रभावित होते हैं, उसके अस्थाई समाधान की व्यवस्था भी उनके द्वारा हो, उनके विभाग के द्वारा हो, जिससे लोगों को कहीं भी परेशानी न हो। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इन सभी गांवों में पर्याप्त संख्या में नौकाओं की व्यवस्था, आवश्यकता पीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को बुला करके स्टीमर लगवाई जाए, जिससे लोगों को राहत पहुंच सके, लोगों को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उन तक पहुंचाया जा सके और एक व्यवस्था बनाए कि बाढ़ से पीड़ित जितने भी लोग हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उन लोगों के लिए भी पक्के मकान की व्यवस्था की सूची तैयार कराई जाए, आगामी 2-3 वर्ष के अंदर उन सब लोगों के लिए ऐसे आवास दिए जाएं जिससे वे पक्के भी हों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी उनको न रहना पड़े। मेरी पूरी संवेदना आप सबके साथ में है, पूरी सरकार आपके साथ में है। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से जिनका क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उन सभी माननीय विधायकों से मैं इस बात का आग्रह करूंगा, वे लोग भी आकर के बाढ़ प्रभावित लोगों को, माताओं को, बहनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए यहां पर राहत कार्य में जुटे और प्रशासन युद्ध स्तर पर इस कार्य को बढ़ाए। कहीं भी लापरवाही की शिकायत नहीं आनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव करेगा या फिर उनको राहत सामग्री से वंचित करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग शासन स्तर पर करेंगे। लापरवाही पर और भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति से हर व्यक्ति को स्पष्ट हो जाना चाहिए। 2-3 अधिकारियों के नाम मेरे सामने आए हैं, आज सायंकाल तक ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। बाढ़ पीड़ितों के मामले में भरपूर मदद हम सबको मिलकर के करनी चाहिए, मुझे आप सबसे यही कहना था और इसीलिए मैं खास तौर पर यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ के माननीय सांसद जी से, यहाँ के माननीय विधायक जी से और यहाँ से जुड़े हुए अन्य सभी माननीय जनपद से, सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो राहत कार्य यहाँ पे प्रारंभ करवाया है जिला प्रशासन के साथ मिलकर के, मैं उनको हृदय से इसके लिए साधुवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उनके नेतृत्व में बाढ़ राहत का एक कार्य तेजी के साथ यहाँ पर बढ़कर के प्रत्येक नागरिक को हम लोग इस आपदा के समय में सहयोग प्रदान कर पाएंगे। जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, वे व्यवस्था करें कि किसी भी पीड़ित को कोई कष्ट न हो, उसके लिए अस्थाई व्यवस्था, उनके पशुओं के लिए भी व्यवस्था और उनके चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, दवा पानी और अन्य खाद्यान्न आवश्यक सामग्री जो भी आवश्यक हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, मुझे सब यही कहना था। मेरी पूरे प्रदेश सरकार की संवेदना आप सबके साथ में है, आप सबके प्रति मैं आज के अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आज यही भ्रमण करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूँ, क्योंकि मुझे अभी अन्य जनपदों में जाना है। श्रावस्ती की स्थिति कुछ ज्यादा खराब है तो उधर मैं जा रहा हूँ
उसके बाद बहराइच होते हुए फिर बाराबंकी की तरफ भी निरीक्षण करने के लिए मुझे जाना है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जन्माष्टमी है आज, इसलिए जन्माष्टमी की आप सबको मेरी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस कल है, स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सबको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और जिला प्रशासन से युद्ध स्तर पर राहत कार्य करके किसी भी पीड़ित को कहीं से कोई कष्ट न होने पाए, इसकी वे व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।